तो ये होता है भाई पति का आनंद, ये देखो हमें भी कुछ ऐसा आनंद दे दो यार। अरे यहाँ पहले से ही बहुत बंदर है बेटा, चलो तू बंदर मत बन। पहुंच चुके हैं बारमेट टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में और वो जा रही है हमारी गाड़ी अंदर। चले हार्दिक, हम भारी ये क्या तूने टूटा हुआ वाला खा लिया। चलो अभी अंदर चलते हैं। यहाँ पे पहले भी आई हुई लेकिन मैं अकेली आई थी सर के साथ, पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं। और ये तो मेरा फेवरेट जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। और जब मैं और सर पहले आए थे ना, अप्रोक्सीमेटली 3-4 साल पहले आए थे, लॉकडाउन से पहले की बात है, हमने बहुत एंजॉय किया था, सिर्फ हम दोनों आए थे, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था बहुत ज्यादा। तो चलो जी, रूम के क्या चार्जेस वगैरह है यहाँ पे? 2500 रुपए साढ़े 2200 और 3500। 3 वैरायटी के रूम है। अच्छा। और टाइम है 12 से 12, आज 12 से कल 12 बजे चेक इन और चेक आउट का। और रूम के अंदर सल्फर वाला पानी है, जो कुंड वाला सुना आपने, गर्म गर्म चश्मा, सल्फर वाला पानी है। अच्छा। बहुत प्यारा दिखेगा आपको, रूम के अंदर से भी आपको पूरी पहाड़ियाँ नजर आएंगी। भाई वाह। और छिपता सूरज नजर आएगा हमारे यहाँ से। अरे वाह। और रेस्टोरेंट के ऊपर टेरिस रेस्टोरेंट है, जहाँ से पूरा व्यू दिखेगा आपको, सी तक का एरिया नजर आएगा। क्या बात है। तो भाई यहाँ के रूम्स के तो मतलब बात ही अलग है। तो भाई ये जो डिटेल आपको बताइए, ये बताइए जो सोना के पहाड़ के ऊपर जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जो कि एक रिसोर्ट, जिस किस नाम से अंकल ये रिसोर्ट? बारबट टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स सोना, बारबट के बारबट टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, जो कि सोना के ऊपर हिल जो एरिया है, जो अरावली हिल्स है, उसके ऊपर बहुत खूबसूरत एक प्रॉपर्टी बनी हुई है, जो कि यहाँ पर आपको रहने का सारा इंतजाम है। जैसा कि अंकल ने बताया, यहाँ के रूम के टैरिफ वगैरह सारा कुछ, बार रूम सारी सब कुछ है यहाँ पे। तो आओ और यहाँ पे एंजॉय करो, अपना 2 दिन का स्टे करो और बढ़िया तरीके से यहाँ पे नेचुरल, आपको हर चीज यहाँ पे नेचुरलिटी का आपको बिल्कुल पास से आपको अनुभव होने को मिलेगा। तो आइए जरूर। और अभी तो फिलहाल हम एंट्री करते हैं यहाँ पर। गाइस हम लोग आ चुके हैं अंदर एंड दिस इज द पार्किंग एरिया। वाओ, लुक एट दिस मैन, किसी हिल स्टेशन से कम नहीं है भाई। हिल पे ही तो खड़े हो तुम यार, इतना मसूरी टाइप्स वाले कह रहे हो, हिमाचल उत्तराखंड वाली फील है, पूरी फील है भाई पूरी। सो हम आ चुके हैं बारबेट टूरिस्ट। अरे उसे तो निकाल लो अपने बंदर को, आजा आजा, पापा ने अंदर ही छोड़ दिया। आयो मेरी लादू को अंदर छोड़ दिया। तुम कुतुब मीनार पे थे ना, और मैं बता रहा था कि हम कॉम्प्लेक्स पे आते थे और रोल होते थे, तो वो फाइनली मैं आपको जगह दिखाता हूँ, आ जाओ। लुढ़कते लुढ़कते जाते थे। देखो आपके भाई बंधु खेल रहे। हाँ, ये कितने हैं, मजे आ रहे हैं इनके तो, पूरे पिकनिक तो ये मना रहे हैं यहाँ पे। चल गया वो बंदर भी, चल गया। क्या हो गया अब, वो पिटाई हो जाएगी। ओ भाई बहुत बंदर है यहाँ पे तो। सो गाइज ये सारे टी लवर्स जा रहे हैं रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए, मुड़के मत देख, सीधा चलता रहे। वो देखो बैठा आराम से। ठंड बिल्कुल भी नहीं है, पर इतनी प्लीजेंट हवा चल रही है ना, हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी हवा, बहुत मजा आ रहा है, मौसम बढ़िया है। मैं नहीं मानता। देर आर 2 ऑप्शन, रेस्टोरेंट एंड बार। अंदर रेस्टोरेंट है, आप वहाँ पे जाके भी खा सकते हैं, और ऊपर है टेरेस रेस्टोरेंट। मम्मी मैं आ रही हूँ अभी, ऊपर है ये टेरेस रेस्टोरेंट, आपकी मर्जी है, चाहे आप यहाँ पे खाइए। ओह गॉड, दिस इज लॉक, माय बैड, आई एम सॉरी बाबू। सुंदर है ना मम्मी? मम्मी से तो क्या पूछना, मम्मी तो पैदाइशी है। ललिता को देखना है। अच्छा, यहाँ आए होंगे। अंदर चाय पकौड़े, हाँ सब यही मिलते हैं। पहले आए थे यहाँ पे तो हम वहाँ खड़े हुए थे, है ना, वहाँ का फोटो है वो, वहाँ खड़े हो के हमने बहुत सारी, तब भी लास्ट टाइम भी आपके कर लिए थे, जब पिछली बार आपने बाल बढ़ाए थे तब आपके कर लिए थे, है ना। आई शाबाश। अच्छा वो वाली फोटो, हाँ वो वाली फोटो।
बंदरों में चला जाना बेटा जा, बाहर इतने बंदर, कपड़ों का हाल देखियो क्या, कितना खुश है, फ्री कपड़ों का हाल देख क्या बना लिया। आई नहीं आई भी, अभी ऑर्डर दे रखा है, आ रही है। सो गाइस ये है पूरा यहाँ का रेस्टोरेंट, जो कि भाई सिटिंग एरिया बहुत ही प्यारा है और बहुत ही अच्छा एम्बियंस है यहाँ पे। रिसेप्शन एरिया यहाँ का, जो कि आपको खाना है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ का मेन्यू कार्ड जो कि मैंने देखा भाई, बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल रेट है। ये कुछ सॉफ्ट ड्रिंक के रेट हैं, ये कुछ भाई यहाँ पे जो स्नैक्स वगैरह हैं उसके हैं। तो यहाँ पे आपको वेज नॉन वेज दोनों आइटम मिल जाएंगे और रीजनेबल रेट है। कुछ ऐसी जगह आके आपको अगर रीजनेबल रेट पर खाना मिल जाए तो इसकी बात ही कुछ और है। तो अब इंजॉय करते हैं अपनी चाय। अबु किधर गया? अबु अबु का है, अबु कहाँ पे गया? अबु अबु काय 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 काय, ये रहा अबु। हाँ भाई ये देखो भाई कैसे जू देखी जा रही है। हाँ भाई दिखवा लो थोड़ी सी अगर है तो। ये क्या बोला तूने? गाइस ये देखो कैसे जू देख रहे हैं एक दूसरे के। अरे वो अपने ही देख रहे हैं, वो बैठे बड़े बड़े बाबा। और ये देखो भाई ये हस्बैंड के देख रही है मैडम। ओह देख कैसे घूम गया। अच्छा जी कहते ही कम्फर्टेबल हो रहा है, है? किसको देखो वो बैठे कोने में कौन? ओह हो भाई जूम कर रखा ना तो थोड़ा सा फोकस नहीं आ रहा। ये देखो पति, देखो ये होता है भाई पति का आनंद। ये देखो हमें भी कुछ ऐसा आनंद दे दो यार कभी। आप देते हो ना मेरे पे चंपी कर करके। तो गाइस हमारा तो क्रिकेट हो चुका है, शुरू दे बॉल दे। ये कैच, आजा कैच चाहिए ले आओ। लो भाई यहाँ पर हो चुका है मैच स्टार्ट। वाह हार्दिक क्या शॉट लगाया है मेरे यार, बहुत जबरदस्त। हार्दिक की भाई आजकल प्रैक्टिस चल रही है क्रिकेट की है हार्दिक। ये और ये फील्डर लग चुका है, मैं कीपिंग कर रहा हूँ। ओ ओए व्हाट अ शॉट हार्दिक, स्ट्रेट ड्राइव। हाँ वाह बॉल, वेरी नाइस कीपिंग, गुड गुड गुड, शॉट लगना चाहिए। एक और मिस यार हार्दिक। वो देख फील्डर, फील्डर के पास जानी चाहिए बॉल। ओए 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 गई गई गई, पकड़ पकड़ पकड़। ये हमारा चुस्त फील्डर। ये दो भैया को, दो दो भैया को देगा भाई, उसे पता है बैट्समैन किधर है। भाई वाह सारी बॉल ओवर होने के बाद फाइनली अबु की टर्न आ चुकी है। मैंने तो शॉट ही शॉट मारे हैं, क्यों मम्मा? अरे वाह ओए बॉल लाते हैं, चलो ये रही बॉल, लो ओए। बहुत अच्छी बैटिंग करी आज। वो तो मैं हमेशा ही करता हूँ। ये पापा का भी, लेकिन एक भी कैच मिस नहीं हो रहा। हाँ तेरा पेट ना भरा क्रिकेट से, अभी उसमें मारियो भाई। जब बच्चे खेल रहे हो तो पापा कैसे पीछे रह सकते हैं? ओ भाई कहाँ चल रहे हो दोनों? आ जाओ तुम्हें लेके चलते हैं भाई। यार ये पत्थर देखना। हाँ तो वही तो, आओ पास से दिखाता हूँ। तो एक चीज मैं बता दूँ ना, जब हम छोटे थे ना यहाँ दे तो हमारा यही रास्ता था ऊपर जाने का, कॉम्प्लेक्स जाने का, कॉम्प्लेक्स जाने का। अच्छा जी, तो दो तीन रास्ते, बट ये कॉमन था यहाँ से, जो हम हमेशा आते थे। तो इसके अंदर से जगह है? हाँ आ जाओ। अरे बाप रे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सो गाइस हमारी ट्रैकिंग यहीं से स्टार्ट है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। नहीं मैं सोना की नहीं हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वेरी गुड। गॉड दिस चट्टान सो स्केरी स्केरी। उधर चलेंगे। वाओ अरे आ जाओ मैडम आ जाओ। वाह वाह भाई ये वो ही जगह है जहाँ पे हम जब छोटे थे तो आगे बैठा करते थे उस पत्थर की चोटी पे। हाँ यही बैठते थे हम आके। अरे केयरफुल है, कोई दिक्कत नहीं है।
सो गाइस ये आज हमारी यादें ताजा हो गई। क्या है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब कर दो। तो निकले हैं बस हम वहां से सोना की चट्टानों से और यहाँ पे देखो जाम मिल गया। जाम यार जाम 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 जाम। आज है गुरु पर्व और ये देखो भाई नगर कीर्तन निकल रहा है यहाँ पे कितना बढ़िया। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। बहुत ही बढ़िया बहुत है पंच प्यारे। ये देखो सेवा करने जा रहे हैं लोग सिख धर्म में ना। मुझे यही सबसे बड़ी अच्छी बात लगती है कि इतने मन से ये लोग सेवा करते हैं ना। सेवा भावना इनमें बहुत होती है बहुत। नगर कीर्तन देख के ना मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए सर। जब मैं गुरुवार ट्यूशन में पढ़ती थी ना तो हमारे स्कूल से गुरु पर्व होता था ना हमारे स्कूल से नगर कीर्तन जाता था। इसे नगर कीर्तन कहते हैं। हाँ नगर कीर्तन बोलते हैं। बहुत ही अच्छा लगता था बहुत ही। पूरा फ्लैश बैक हो गया मेरा गुरुवार ट्यूशन के डेज याद आ गए। पहुंच चुके हैं हमारे घर और ये पहुंच गए। इस 2 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद अब फाइनली घर पहुंचे और ये देखो आते ही बॉल के साथ खेलना शुरू कर दिया। भाई बच्चों का तो यही है कोई सामान लेके आते हैं ना आते ही लग जाते हैं। तो भाई सर भी बहुत थक गए और मैं भी बहुत थक गई और अभी हमारे घर में गेस्ट भी आने वाले हैं उन्हें भी अटेंड करना है। और हमारे सर यहाँ बैठे हैं। सर यादें ताजा हो गई आज बहुत यार बचपन की यादें ताजा हो गई। मजा आ गया एक नंबर। और कितना अच्छे दिन गए आज हम। आज भाई मावस थी और हमें कोई हमारा प्लान नहीं था कि मावस के दिन ही जाएंगे और आज भाई हमारा दिन बहुत ही सक्सेस रहा आज का हमारा दिन और बहुत अच्छा लगा यार। सीरियसली बिल्कुल। सो गाइस आप लोगों के ऊपर भी माता रानी यूं ही कृपा बनाए रखे। तो भाई आज का ब्लॉग करेंगे वहीं पे एंड। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय गुड नाइट।